गाइस, IPL एक ऐसा मंच है जहां कई ऐसे क्रिकेटरों को नाम चमकाने का मौका मिलता है जिससे फैंस अनजान होते हैं। इस सीजन IPL के 16वें मैच में गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाज दर्शन नालकंडे को डेब्यू करने का मौका मिला और दर्शन नालकंडे के लिए यह मैच यादगार भी बन गया, क्योंकि इन्होंने उस समय अपनी टीम को सफलता दिलाई जब पंजाब किंग्स के बल्लेबाज रनों की बरसात कर रहे थे। ये दर्शन ने 3 ओवर में 37 रन दिए लेकिन 2 बड़े विकेट लेकर भी टीम की वापसी करवाई और अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर दर्शन ने बयान देते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या का शुक्रिया किया जिन्होंने इन्हें काफ़ी मोटिवेट किया था। विकेट लेने को लेकर 23 साल के दर्शन ने कहा, मैं नर्वस था लेकिन आशीष सर और हार्दिक ने मैच से पहले मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया और हार्दिक जो कुछ भी मुझसे कह रहे थे मैं उस पर अमल करना चाह रहा था। विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा है और बल्ले पर भी गेंद काफ़ी अच्छा आ रहा था और मैच के दौरान दर्शन पारी का 14वां ओवर फेंकने आए थे। इन्होंने इसी ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर विकेट लेकर पंजाब को तेज़ी से रन बनाने से रोका। दर्शन ने पहले जितेश शर्मा को चलता किया जो काफ़ी खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, फिर अगली ही गेंद पर दर्शन ने ऑडिन स्मिथ को भी आउट कर दिया। इसके अलावा दर्शन नालकंडे को गुजरात ने इनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में ख़रीदा था और नालकंडे विदर्भ के एक युवा तेज गेंदबाज हैं और ये एक गेंदबाज के रूप में ही अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की है, लेकिन बल्ले से भी रन बनाना अच्छी तरह से इन्हें आता है और एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में इन्होंने अपने आप को ढाला है तथा इन्हें युवा एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया और विश्व कप टीम के संभावित खिलाड़ियों में भी अपनी जगह पक्की की, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। इसके अलावा दर्शन ने अंडर-23 CK नायडू ट्रॉफी में बल्ले और गेंद दोनों से अपना पराक्रम दिखाया जिससे दर्शन काफ़ी सुर्खियों में भी आ गए थे और विदर्भ के चयनकर्ताओं ने इन्हें विजय हजारे टूर्नामेंट में चुनकर सम्मानित किया तथा इन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 26 रन देकर 2 विकेट लेते हुए अच्छी शुरुआत की और लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 53 रन भी बनाए जिसे विदर्भ को एक असंभव जीत मिली थी। और इसके बाद इन्होंने संयोग से महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन को जारी रखते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला जिसके चलते फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं। हालांकि दर्शन इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे। तो गाइस, कैसी लगी है आप सबको ये जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए तथा आगे भी इसी तरह के लाइफ स्टोरीज वीडियो को देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर की लाइफ स्टोरीज को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।